अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे। तो मैंने पिछली एक वीडियो ऑक्सफोर्ड न्यू जनरल नॉलेज बुक के हवाले से एक वीडियो अपलोड की थी, अगर उसके बारे में आपको कोई कमेंट करना चाहते हैं तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताएं ताकि मैं फ़र्दर उस पर कोई वीडियो अपलोड कर सकूं। आज मैंने एक सोचा एक शॉर्ट वीडियो बनाऊं आपके लिए मैथमेटिक्स के सिंबल्स पे, जो ये और ये साइंस बड़े इम्पॉर्टेंट हैं, ये हर क्लास के लिए यूज़फुल हैं और ये बेसिक्स हैं मैथ्स की। तो समटाइम्स ऐसा होता है कि ये सारे सिंबल तो होते हैं लेकिन जो बिगनर्स होते हैं उनके सर के ऊपर से गुज़र रहा होता है कि यार इस सिंबल का क्या मतलब है, इस सिंबल का क्या मतलब है, इसका इसको क्या कहते हैं। तो आज मैंने सर्च किया तो मुझे ये एक छोटा सा मिली है बुक, तो मैंने सोचा आपके साथ ये साइंस और सिंबल्स को शेयर करूं, जो मैथमेटिक्स में एक लैंग्वेज हैं जिनका कोई ना कोई मतलब है। तो सबसे पहले आ जाइए एडिशन। ये जो अच्छा ये जो हैं ये सिंबल्स हैं और ये इनका मतलब है कि ये जो साइंस हैं ये किस लिए यूज़ होते हैं, इनका नाम क्या है। ठीक है, ये इसकी डिटेल है। जैसे एडिशन है, ठीक है, ये आप सब इससे वाकिफ हैं कि इसको जमा करने के लिए ये साइन लगाया जाता है। फिर सब्ट्रैक्शन है, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, इक्वल टू, इज़ नॉट इक्वल टू, अब ये है इज़ अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू, ये इज़ आइडेंटिकल टू, ग्रेटर देन, लेस देन, नॉट लेस देन, पैरेलल टू, परपेंडिकुलर टू, द सम ऑफ इन्फिनिटी, इज़ अ मेंबर ऑफ द सेट ऑफ, इज़ नॉट अ मेंबर ऑफ द सेट ऑफ, यूनियन, इंटरसेक्शन, सबसेट ऑफ, नॉट अ सबसेट ऑफ। तो ये सिंबल्स इम्पॉर्टेंट है, आप इनका रिव्यू ले लीजिए। ये पहली रो ऑफ सिंबल है। अब आ जाइए नेक्स्ट की तरफ। ये सिंबल है बिलोंग्स टू द फर्स्ट वन। आप इस शेप को देखें और ये जब भी आप इसको अपने मैथमेटिक्स के सम्स में या बुक्स में देखते हैं तो इस साइन को देखकर ये समझें कि इसका मतलब ये है। डज नॉट बिलोंग टू implies and implied by triangle, square, circle, rectangle, at the rate of, ये तो काफ़ी फेमिलियर सिंबल है, इसको आप डेली बेसिस पे अपनी कंप्यूटर में या उसमें अपनी राइटिंग में यूज़ करते हैं, ये काफ़ी फेमिलियर है। डेसिमल पॉइंट, ये ऊपर वाले सिंगल डॉट की बात हो रही है, अब ये नीचे टू डॉट हैं, ठीक है, रेशो, ठीक है, ये अलग है और ये दो एक जैसे जैसे हम वन एंड टू डॉट डालें। एंगल, दिस इज़ अ साइन ऑफ एंगल, इसको गौर से देखें, राइट एंगल, 4 degree, 5 minutes, 5 seconds, 6 hours, therefore, because, segment AB, ray AB, line AB, अब जिसके ऊपर single line है, without arrow, this is segment AB, और ये जो दूसरा है जिस पे एक एरो है राइट पे, दिस इज़ रे ए बी एंड द लास्ट वन इज़ लाइन ए बी। तो ये आई थिंक काफ़ी यूज़फुल एक वीडियो है।
ये आपके लिए काफ़ी यूज़फुल रहेगी इंशाल्लाह। अगर इसके बारे में कोई कमेंट है तो काइंडली ज़रूर बताइएगा। इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप ले सकते हैं और इसको यूज़ करें, और इंशाल्लाह जब भी आप इन सिंबल्स को देखेंगे तो आपको मेरी वीडियो ज़रूर याद आएगी। थैंक यू, जज़ाकअल्लाह, अस्सलामु अलैकुम।